उसका 15वां 11 से लेके 32 आए, ये पेज नंबर 111 पे है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिनों के दिन बीते थे कि छोटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकरम ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और एक कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ पर पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे और कुछ नहीं देना था। जब वह अपने आप में आया तब उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊंगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और फला हुआ एक बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है और आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। आते उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वे क्रोध से भर गया और भीतर ना जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और अभी भी कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डालती, तो भी तूने मुझे अभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तक यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र की सरदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, हो गया था और अब मिल गया है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन इसके पढ़े और सुने जाने की आशीष।
तेरी सब नियमितों के लिए सब आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, विशेष धन्यवाद तंदुरुस्ती के लिए और प्रभु तेरे घर में आने के लिए, तेरे घर के दरवाजे खुले हैं प्रभु जी और सबको अपने तेरे घर में हाजिर होने के लिए बुला रहे हैं प्रभु जी। आज तेरा पाक और पवित्र दिन, तेरी आराधना का दिन, तेरे धन्यवाद का दिन, तेरी स्तुति और तेरी महिमा का दिन प्रभु। हम भी तेरे घर में हाजिर है ताकि तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सके और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके प्रभु जी। ये सब सांस और तंदुरुस्ती उलाद नाती पोते सब तेरी नियमते हैं, तेरी आशीषें हैं प्रभु जो तूने हमें बख्श की है, इनके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से हो। तू डॉक्टर का भी को छूए, उस वचन को छूए और प्रभु तू इतनी उस वचन में सामर्थ दे कि आज एक भी इंसान यहाँ से खान पा ना जाए बल्कि हम अपनी राह की रोशनी, अपने जीवन की रोटी यहाँ से लेके जाने का जो तू आज हमें देना चाहते हैं। इस समय में तू हमें ख्यालों से भटकने से बचाना, हमें अपनी रूह में अपनी संगति में बांध के रखना। तमाम शैतान की ताकत जारी की ताकत तेरे नाम में पहुंचती हूँ। इस गिरजा घर में तेरी आत्मा मंडराती रहे और हमारी कमजोरियों पर एक एक पर अपना हाथ रखती रहे ताकि आज यहाँ से तेरे वचन को लेके जाने बन सके प्रभु जी। और तमाम तेरी शुक्रगुजारियों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी जो तेरे घर में आई है, वो अपनी आशीष के सब को अपने अनुग्रह में अपने कृपा में प्रभु जी। पूरा सप्ताह हमें संभालना, हमारा मार्ग दिखाना परमेश्वर कि हमने तेरे साथ चलना है प्रभु जी। जितना वचन है उपवास के दिनों में बोया जा रहा प्रभु जी, बहुत सा फल लगने वाला है और खुदा हमारी कमजोरियों पर हाथ रख के हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके। आज के वचन पर खास आशीष मांगती हूँ, झोलियों भर कर देना अपने लोगों को और ग्रहण करने की सामर्थ देना। तेरे प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और बख्श दे। आमीन।
फॉस्टिना के लिए, सिस्टर ठाकुर दास के लिए, भाई साहब के मामा के लिए, भाई साहब बेंजिन पीपल के लिए कि उनको तुमने एज ए बिशप चुन लिया और उनकी मखसूसियत के लिए जो दिन निर्धारित किया गया उस दिन के मौसम के लिए गौर करते हैं कि सब ठीक रहे ताकि जितने लोग वहाँ क्षेत्र के लिए जाते हैं आराम से जा सकें और आराम से आ सकें। पंजाब सूबा की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं, खासतौर पर इस नई सरकार के लिए जब वो अपना काम शुरू करते हैं जिन जिनको भी अथॉरिटीज दी गई है उनके साथ होना, उनकी समझ से तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं, अपने देश के लिए, इसके हाकिमों के लिए, इसी तरह दुनिया भर के रहनुमाओं को तेरे हुजूर याद करते हैं। हर बार इस डेंगू बुखार और कोरोना वायरस से बचा कर महफूज रखना, यूक्रेन और रशिया के वार के लिए दुआ करना, वहाँ अपना सुलह शांति और शांति का हाथ फैला ताकि लोग अमन सुकून से रह सकें और तेरा शुक्र अदा करें। इस इबादत को फिर तेरे हाथों में देते हैं, इन तेरे बच्चों की सलामती के लिए, सुख और खुशी के लिए दुआ करते हैं और एक बार आने वाले दिनों को तेरे हाथों में देते हैं। हमारी मदद कर अपने पारिसाब के लिए, इनके परिवार के लिए और जितने भी अवेंजिस्ट तेरे नाम से तेरे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उनके रास्तों को हमवार करना, रास्तों की रुकावटों को अलग कर देना ताकि तेरा नाम चला पाए और वो दिन चल जाए जबकि एक ही गला एक ही दरिया हो, हर जान तुझे अपना नजात दिंदा कबूल करे और पहुंच जाए, क्योंकि तेरे बेटे के आने का यही मकसद। हमारी इन दुआओं को सुन अपने हुजूर में पहुंचने दे, मसीह यीशु के वसीले से सुनो और बख्श।